गीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, चिलवा मछली की रेसिपी, जो खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी दोनों है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फायदा वाली चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादातर फास्फोरस और बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं। हमें डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप इसे खाइए, ये आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी अच्छे स्रोत हैं। छोटी मछली, आइए उनको कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ। हमने ले लिया है 250 ग्राम छोटी मछली, इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके पेट को ऐसे कट करके हमने इसकी सारी गंदगी निकाल दी है। इसके पूंछ को भी हमने कट कर लिया है चाकू से, और इसको बहुत ही अच्छे से हम इसमें आटा लगा करके साफ़ किए हैं 2-3 पानी से, और इसके सारे जितने भी कचड़े थे बाहर निकल गए हैं। उसके बाद हमने गर्म पानी और उसमें नमक डाल करके इसको धुल दिए हैं ताकि इसकी सफाई अच्छे से हो जाए। आइए उनमें क्या क्या हम मिलाएंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने मोटे मोटे टुकड़े में काट लिए हैं। इसको हमें मिक्सी में पीसना है। हमने 2 गट्ठे ले लिए हैं लहसुन। लहसुन इसमें ज़्यादा पड़ते हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है छोटी मछली के लिए। और हमने ले लिए हैं 2 चम्मच, छोटे चम्मच हमने ले लिए हैं सरसों। और इसमें मैं कुछ गरम मसाले मिलाऊंगी। यह है गरम मसाला, हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। रेगुलर नमक लिए हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ले सकते हैं। और ये हमने लिया है पिसा हुआ धनिया, इसमें मैं डालूंगी 1.5 चम्मच है। ये है लाल मिर्च पाउडर, जो घर पे हमने कूट कर रखे हैं वो है। आइए इनको कैसे बनाते हैं हम बताते हैं। हमने पहले मिक्सी में ये प्याज और लहसुन को पेस्ट बना लेते हैं, और इसमें मैं डालूंगी सरसों, और इसमें मैं थोड़े पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। मसाले को पीस लिया है, लहसुन अदरक के लहसुन और प्याज के पेस्ट को। अब मैं इस प्लेट में डालती हूँ मछली के ऊपर, मसाले डालती जाऊँगी। हमने ये 2 लिए हैं चम्मच मसाले, अकॉर्डिंग हम नमक लेंगे। इसमें लेंगे हम मिर्चा पाउडर, मिर्च पाउडर ये रेड, ये बहुत तीखे हैं इसलिए इसमें कम ही हम डालेंगे, 1/2 चम्मच। अब इसमें मैं डालूंगी धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, क्योंकि 250 ग्राम है मछली, इसी अकॉर्डिंग हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। अब अच्छे से ताकि सारे नमक और मिर्च मसाले अच्छे से मिल जाए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि नमक ज़्यादा हो गए हैं चम्मच से मिलाने पे, इसलिए हाथ से सबसे अच्छा है। पहले हमने तवे को गर्म कर रहे हैं, इसे मैं बनाऊंगी तवे पर। तवे में डालूंगी तेल, मस्टर्ड ऑयल में ही इसे बनाना है, बहुत ही अच्छा से टेस्ट आता है। इसमें तेल थोड़े ज़्यादा लगते हैं, इसको 4 बड़े चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिए हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। अभी तवे पर अच्छे से तेल हीट हो गए हैं, अब इसको मैं चारों तरफ फैलाती हूँ और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और मैं इसमें मछली को तवे पर बनाती हूँ। बहुत ही इजी तरीका है बनाने का और बहुत ही टेस्टी बनती है ये मछली। हमको इसमें नहीं डालना है ताकि मुझे बनाने में दिक्कत ना हो। मैं इसको चारों तरफ से इसके तेल को घुमा घुमा के मिलाऊंगी ताकि चारों तरफ जो है मछली अच्छे से पक जाए। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। तवे को पक रहे हैं, अभी मेरा इस साइड हुए नहीं है, इस साइड पक जाएंगे तो फिर मैं इसको टर्न करूंगी, दूसरे साइड में सेकूंगी इसको। एक तरफ हमारे पक गए हैं, अब इसको मैं बहुत ही आसानी तरीके से धीरे से इसको पलट के पलट दूंगी दूसरे साइड।
इसको बहुत ही आराम से पलटना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब इस तरह हमारी सीख गई है, इसको मैं दूसरे पर बना रही हूँ। अब इसको मैं धीरे धीरे करके चारों तरफ तवे को घुमा के इसको मैं पलट दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सिक रहा है। इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा, नहीं तो मछली जल जाएगी। इसको हमें लाल चुटका भूनना है, इसके कांटे जो है इसमें भूनते ही समय सब जल जाते हैं। इसको हमने रोटी से या चावल से आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है मछली। पलटे से इसको सेकने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप चम्मच से बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको पलट पलट के सेक सकती हैं। जिस साइड सिक गई है उसको पलट के मैं दूसरे साइड इसको सेकूँगी, ताकि सारी मछलियाँ जो है एक तरह सिक जाए। ये देखिए बड़े पलटे से करने पर हो सकता है कि मछलियाँ टूट जाएं, इसलिए हम चम्मच का इसमें यूज करेंगे। देखिए कितनी अच्छी से सिक रही है। देखिए किनारे में थोड़े तेल नहीं दिख रहे हैं और मछलियाँ नहीं अच्छे से सिक रही है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे तेल डाल दूँगी ताकि ये भी अच्छे से भून जाए। सारे तेल एक जगह इकट्ठे हो जा रहे हैं, इसलिए हमें किनारे किनारे तेल डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये भी किनारे वाली जितनी मछलियाँ हैं अच्छे से सिक जाएंगी। मछलियाँ चारों तरफ से अच्छे से सिक गई हैं। इसको सेकने में ही वो टाइम लगता है, इसको अच्छे से सेकेंगे नहीं तो कच्चे अंदर से जा जाएंगे। अब इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में। दूसरा बैच भी बनाती हूँ, जो मछली बची हुई थी उसको भी मैं बनाऊंगी। तेल को अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ। बहुत ही टेस्टी मछली बन गई आपकी, तैयार हो जाएगी। ये भुजिया समझ लीजिए, मछली की भुजिया है, छोटी मछली की। अच्छा दूसरा बैग बना रही हूँ। मछली जो है अच्छे से बन गई है, मैं इसको खाने के लिए सर्व करती हूँ प्लेट में। ये देखिए कितनी अच्छी भुन गई है, चुड़चुड़ बिल्कुल एकदम जैसे हम आलू की भुजिया बनाते हैं, बिल्कुल चुड़चुड़ी क्रिस्पी, बिल्कुल उसी तरह ये आपकी मछली बनके तैयार है खाने के लिए। इसको रोटी से चावल से आप जैसे मन वैसे खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है मछली। फ्रेंड्स अगर मेरा ये बनाने का तरीका मछली का आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है आप तक आसानी से पहुंचे। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए है धन्यवाद।